हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के 22वें पारे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू ने इसमें इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना يعظون الله ورسوله, बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, दुनिया और आखिरत में उन पर अल्लाह की लानत है, وعد لهم अज़ाबं मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। ये आयत शरीफा और ऐसी और भी आयत मुबारका हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह को तकलीफ़ देना, रसूल को तकलीफ़ देना, इसको यूं भी समझ लिया जाए कि कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी तकलीफ़ रसूल को होगी, और कोई रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो उसकी तकलीफ़ अल्लाह को होगी, यानी अल्लाह उससे नाराज़ होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ अपना भी ज़िक्र फरमाया और अपने हबीब महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया, उनके मनसब का ज़िक्र फरमाया, रसूल। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो लोग ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, तो अल्लाह और रसूल को ईज़ा देने को अल्लाह ने जमा कर दिया एक साथ, अपना नाम पाक भी लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक भी ले लिया, उनका भी ज़िक्र कर दिया, जमा कर दिया कि जो अल्लाह को भी ईज़ा दे और रसूल को भी ईज़ा दे। अब अल्लाह की ईज़ा तो एक तरह से है कि कोई लफ्ज़, कोई बात ऐसी कही जाए जिससे अल्लाह की नाराज़गी पैदा हो जाए और अल्लाह की नाराज़गी साबित होती हो, ये अल्लाह की ईज़ा है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पाक मुजस्सम नहीं जिस्म की तरह कि कोई अपने हाथ से उसको ईज़ा पहुँचाए, माज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो तो सिर्फ ज़बान के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए मुतसव्विर है, मगर रसूल की ईज़ा वो ज़बान से भी हो सकती है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हाथों से भी हो सकती थी और हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने रसूल, उन्होंने हाथों से भी तकलीफ़ पहुंचाई और ज़बान से भी तकलीफ़ पहुंचाई, तो रसूल की ईज़ा दोनों तरीक़ों से है, या ज़बान से, या अल्फाज से, या हाथ से, दोनों तरीक़ों से है। लेकिन हर सूरत में अल्लाह और रसूल की ईज़ा के बारे में अल्लाह ने अपनी बारगाह से जिस सज़ा का ऐलान फरमाया, वो एक तो बहुत बड़ी सज़ा है, वो ये है कि फरमाया लअनहुमुल्लाहु, अल्लाह की लानत है उन पर, अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत उससे दूर हो गई।
लानत उतर गई, लअनहुमुल्लाह फिद्दुनिया वल आखिरा। अब यहां भी दोनों बातों को जमा कर दिया, जैसे अल्लाह और रसूल को जमा किया, ऐसे लानत में दुनिया और आखिरत को जमा किया कि दुनिया में भी लानत होगी और आखिरत में भी लानत होगी। दुनिया में लानत तो ये है कि लोग मुसलमान उस पर लानत करें जो अल्लाह और रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करे, तोहीन करे, माज़ल्ला। वो तोहीन ख्वाह हाथ से हो, ख्वाह इशारे से हो, ख्वाह अल्फाज से हो, या अपने किसी भी हरकत से हो, जिसके बारे में ये साबित हो जाए कि ये तोहीन है, साबित हो जाए। और साबित करने वाले उलमा हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, यानी जो इल्म रखते हैं कुरान का, जो इल्म रखते हैं हदीस का, जो इल्म रखते हैं तफसीर का, जो इल्म रखते हैं फिक्ह का, जो इल्म रखते हैं फतावा का, यानी हर तरह से इल्म रखने वाले, वो इस बात का फैसला करेंगे कि आया किसी शख्स ने तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब, तौहीन खुदा, इसका इर्तकाब किया, वो इर्तकाब साबित होता है या नहीं, यानी उसका जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ। अगर जुर्म साबित हो गया तो सख्त सजा है, वो कत्ल भी है, रियासत का काम है, अदलिया का काम है कि वो उस पर अमल दरामत करे, कानून का काम है कि वो उस पर अमल दरामत करे। अगर जुर्म साबित हो जाए तो, अगर अल्लाह और रसूल की ईज़ा साबित हो गई तो वो तोहीन है। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा लफ्ज़ जो अल्लाह और रसूल की तकलीफ़ का बाइस हो, जिससे तोहीन साबित होती हो, माज़ल्ला, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, तो वो काबिले जुर्म है, काबिले सज़ा है। अब ये तो अल्लाह ने फरमा दिया लअनहुमुल्लाह फिद्दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत को भी एक साथ जमा कर दिया कि ये लानत दुनिया में भी होगी उस पर, और ये लानत अल्लाह ताला आखिरत में भी रखेगा, उसकी आखिरत भी बुरी होगी, और मुमकिन है कि उसका खात्मा भी बुरा हो। एक खात्मा तो बुरा यूं हो सकता है कि बज़ाहिर उसकी मौत बुरी हो, यानी मरते वक्त कोई ऐसा मंज़र पेश आ जाए जो मालूम हो कि बहुत बुरा मंज़र है, अल्लाह माफ़ करे, तो ये तो मरते वक्त भी हो सकता है। और अगर ऐसा ना भी हो तो मरते वक्त उसका खात्मा बुरा हो, इसकी दूसरी सूरत ये है कि रहमत के फरिश्ते वहाँ ना हो, अजाब के फरिश्ते हों, वो सामने देखने वाले को पता नहीं चल सकता। देखिए, जब किसी की मौत आ रही होती है तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है ये बाहर वाला पहचान नहीं सकता, सामने वाला तो सिर्फ उसकी सामने की सूरत हाल को देख सकता है। आलम नज़ा में उस पर क्या गुजरती है, आलम नज़ा में वो क्या देख रहा है, ये सामने वाला पता नहीं लगा सकता। मुमकिन है कि जो नेक बंदा है, मुत्तकी है, अल्लाह वाला है,
वो रहमत के फरिश्तों को देख रहा हो, और ऐन मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बद बुरा है या गुस्ताख है और उसकी मौत का वक्त करीब है, तो अजाब के फरिश्ते वहाँ पर आए हों और वो अपने सामने दोज़ख का मंज़र देख रहा हो, सज़ा को देख रहा हो, अल्लाह की लानत को देख रहा हो, तो ये सामने वाला तो पता नहीं लगा सकता, ये तो मरने वाला ही अपनी हाल को देख सकता है। तो बहरहाल मुमकिन है कि गुस्ताख रसूल का खात्मा भी बुरा ही हो, जाहिर में हो या अंदर से बातिन में हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना फैसला सुना दिया। वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, फरमाया और अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। तो ये अजाब कहाँ है? आखिरत में। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अजाब का असल महल, असल मौका, असल जगह आखिरत है। आप देखते हैं दुनिया में कभी कातिल भी बच जाता है, चोर भी बच जाता है, डाकू भी बच जाता है, लुटेरा भी बच जाता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलती है, ना कानून में उसकी कोई सज़ा होती हो सकती है, मफरूर हो जाता है, भाग जाता है। तो असल महल, असल जगह सज़ा की कौन सी है? आखिरत। उससे कोई छुड़ा नहीं सकता, उससे कोई बचा नहीं सकता, आखिरत की सज़ा और फिर कब्र की सज़ा। देखिए कब्र में सिर्फ मुर्दा होता है, दफनाने वाले दफनाकर चले जाते हैं, कब्र में कोई उतरता है साथ रहने के लिए? नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दे को दफनाने के लिए कोई कब्र में उतरता है और फिर कब्र से बाहर आ जाता है, अपने घर चला जाता है। कब्र में तो कोई नहीं लेटता, कब्र में तो बेचारे मुर्दे को लेटना है कयामत तक, और कयामत तक कब्र में उसके साथ जो कुछ पेश आए उसका सामना उसी को करना है, किसी और को नहीं करना, वो वही करेगा। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल। तो कब्र में भी बहुत कुछ पेश आता है। देखिए ना, अजाब कब्र ये कुरान और हदीस से साबित है और हमारा इस पर भी ईमान है। अहले सुन्नत का अकीदा, अहले सुन्नत में से ये अकीदा, अकायद अहले सुन्नत में से अजाब कब्र का ये भी अपनी जगह हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, हदीस पाक में मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रिवायत की इस हदीस को कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अजाब की पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से, तेरी पनाह। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए फरमाया, तालीम दी है ये फरमा कर, गोया के उम्मत को तालीम दी कि तुम ये दुआ मांगा करो कि या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाना, कब्र के अजाब से बचाना। तो अजाब का सिलसिला तो कब्र से शुरू हो जाता है। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया वअद्द लहुम अजाबम मुहीना, और उनके लिए अल्लाह ताला ने
जिल्लत वाला अजाब, मुहीन, इसका माना है जिल्लत वाला, जलील करने वाला अजाब, जिल्लत वाला। अब वो जिल्लत कैसी होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। देखिए ना, ये अजाब आखिरत में होगा, तो आखिरत में जो अजाब देगा वो अल्लाह है। अब अल्लाह जिस तरीके से जिल्लत का अजाब दे, अल्लाह माफी दे, वो तो अल्लाह ही जानता है। तो ये जो अजाब है इसका सिलसिला तो कब्र से शुरू हो जाएगा, और दुनिया में भी आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब, तौहीन मज़हब का मुर्तकिब, तौहीन दीन का मुर्तकिब, अगर दुनिया में भी अजाब चख ले तो कोई इसको झूठ नहीं कह सकता। मुमकिन है कोई ऐसी सूरत लोगों को नज़र आ जाए कि ये तो अजाब है, इस पर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अजाब में गिरफ्तार कर दे, तो आयन मुमकिन है, हो सकता है। मगर असल महल अजाब का वो आखिरत। चुनाचे आज जो मेरा मौजू है वो यही है कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब की सज़ा रियासत और अदलिया की जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसा हो, ऐसा वाक़या हो, अल्लाह करे कि ना हो, कोई नबी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं है, कोई नबी कोई भी हो, हज़रत मूसा हो, हज़रत ईसा हो, या कोई भी नबी हो, हर एक की ताज़ीम, हर एक की तकरीम, ये हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। देखिए जब हम बुनियादी अकायद का ज़िक्र करते हैं तो उसमें एक अकीदा क्या आता है, रसूलों पर ईमान, तौहीद पर ईमान और रसूलों पर ईमान। तो रसूलों पर ईमान में कोई एक रसूल नहीं, सब रसूल शामिल हैं। किसी भी नबी की तौहीन कुफ्र है, किसी भी रसूल की गुस्ताखी कुफ्र है। मुसलमान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इशारतन, कनायतन या अल्फाज या अपने किसी अमल के ज़रिए किसी भी नबी की तौहीन करे, ये नहीं हो सकता। यानी कि मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो मुसलमान भी हो और फिर ऐसा करे। शवाहिद ये बताते हैं, वाक़यात ये बताते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के सहाबा किराम ने उस पर शदीद गिरफ्त फरमाई। जब किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन का कोई अमल किया, कोई इशारतन भी किया, तो सहाबा ने उसको माफ़ नहीं किया, बख्शा नहीं और उसकी गिरफ्त की। यहाँ तक के कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने किसी ऐसे लफ्ज़ से भी मना कर दिया मुसलमान को जो अल्लाह के रसूल की ताज़ीम के ख़िलाफ़ हो। देखिए कुरान मजीद में है कि यहूद रायना का लफ्ज़ कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हमारी रियायत कीजिए, लेकिन वो राइना कहते थे और वो माने के एतबार से बुरा लफ्ज़ था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोक दिया, ला तकुलू राइना कुलू उन्जुरना, कि आपको अगर ये कहना हो कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाएं तो लफ्ज़ राइना मत कहना, ये कहना हम पर नज़र फरमाएं, नज़र करम फरमाएं। वो लफ्ज़ भी छोड़ दो जिस लफ्ज़ को कोई गैर मुस्लिम
गुस्ताखी के तौर पर या बुरे माने के तौर पर इस्तेमाल करता हो, उस लफ्ज़ को भी तर्क कर दो, छोड़ दो। तो इतनी एहतियात मुसलमान को करना ज़रूरी करार दे दिया गया कि ऐसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करो अपनी गुफ्तगू में, छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भी ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, यानी बेतकल्लुफी थे। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना तो लापरवाही से कर लेते हैं, बेतकल्लुफी से कर लेते हैं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि रसूल की बारगाह में बेतकल्लुफी भी जायज़ नहीं है, आदाब का ख्याल रखना है, आदाब बारगाह रिसालत इसको मद्देनज़र रखना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मर्तबा, उनका मनसब, उनका दर्जा, उनका मकाम, ये मोमिन के पेश नज़र होना चाहिए। यहाँ तक कि अब अल्लाह के रसूल ज़ाहरी तौर पर दुनिया में उस तरह हमारे सामने नहीं, कब्र अनवर में आराम फरमा हैं और हयातुन नबी हैं, तो अब उस कब्र अनवर का भी एहतराम उसी तरह है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में रहा है। ऊंची आवाज़ से बात करना ये भी बेअदबी है। हुजूर के ज़माने अकदस में भी बेअदबी रहा और अब रोज़े अनवर के पास वहाँ होते हुए भी आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज़ों से चिल्लाकर बातें करना मना है, ये बेअदबी में शामिल हो जाएगा। तो फुकहा ने इसकी तसरीह कर दी है, जिसको शौक हो वो किताबें पढ़े, मुतालिया करे, तो मालूम हो जाएगा कि किन किन अंदाज में किस किस तरह से ताज़ीम व तौक़ीर भी होती है और किस किस तरह से माज़ अल्लाह तोहीन भी हो जाती है, गुस्ताखी भी हो सकती है, उससे बचने की कोशिश करें। और अगर कोई इसका ख्याल नहीं रखता तो इसकी सज़ा अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी, इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति वअअद्दा लहुम अज़ाबं मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्फाज से पहुँचाएँ, अमल से पहुँचाएँ, इशारे से पहुँचाएँ, कनाए से पहुँचाएँ, जिस तरीक़े से भी गुस्ताखी करें, तोहीन करें, वो तोहीन है। तो फरमाया अल्लाह ने उन पर लानत है, अल्लाह की लानत, लअनहुमुल्लाह। एक तो लानत हम करते ना एक दूसरे पर, कहते तुम पर लानत, तुम पर लानत, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह लानत करता है उन पर, लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरती, अल्लाह उन पर लानत करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअअद्दा लहुम अज़ाबं मुहीना, और अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। यानी बस देर किस बात की है, देर इस बात की है कि उनकी आंखें बंद हों, मौत आ जाए और मौत आने के बाद उनका अजाब शुरू हो जाएगा गुस्ताख रसूल का। अगर दुनिया में नहीं, दुनिया में सज़ा ना मिली, दुनिया में भाग गया, दुनिया में बच गया, फरार हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मरते ही अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आखिरत तो मौका महल है अल्लाह के अजाब का, अल्लाह ने जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। माज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या गुस्ताखी वो ऐसी बुरी हरकत है कि मुसलमान को काफिर कर देती है। एक मुसलमान मुसलमान नहीं रहता तौहीन के बाद, काफिर हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी इस बुरी हरकत से उसका निकाह भी टूट जाता है, बीवी निकाह से खारिज, हराम हो जाती है उस पर। और ऐसे शख्स को मुसलमान जानने वाला वो भी काफिर हो जाता है।
जो उसको काफिर ना जाने वो खुद भी काफिर। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशा अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने फतवा पूछा, इस्तिफ्ता, हुज़ूर की तौहीन के हवाले से, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से। इस सवाल के जवाब में आपने कि एक शख्स ने हुज़ूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और उस पर कुफ्र का फतवा लग चुका है मगर वो तौबा से इनकार करता है, आया उसका निकाह टूट गया या नहीं, और उसके भाई भतीजे जो उसे मुसलमान समझते हैं और उसके मुआविन हैं उनका निकाह भी टूट गया या नहीं, तो आपने फतवा में यह तहरीर फरमाया आला हजरत ने, किसी आम बंदे ने नहीं, आम मुफ्ती ने नहीं, मुफ्तियों के मुफ्ती आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फतवे में लिखा जो शख्स हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की तौहीन करे यकीनन काफिर है, उसकी औरत उसके निकाह से निकल गई और जो उसकी तौहीन पर मुत्तला होकर उसे मुसलमान जाने वो भी काफिर है। ऐसे जितने लोग हों, ख्वाह तौहीन करने वालों के अजीज करीब हों या गैर, उन सब की औरतें उनके निकाह से निकल गईं और फिलहाल वो अपने मेहर का मुतालबा कर सकती हैं और उन औरतों को इख्तियार है कि इद्दत के बाद जिस मुसलमान से चाहें निकाह कर लें, यानी कि वो निकाह से खारिज हो गई तौहीन के मुर्तकिब शख्स के निकाह से। तो ये मसला जो है तौहीन रिसालत का, ये ऐसा नाजुक मसला है और इतना अहम मसला है कि इसमें कोई रियायत नहीं है, मगर इसका सबूत भी उतना ही अहम है, उतना ही शदीद है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगा दे कि इसने तौहीन रिसालत का इरतकाब किया, तौहीन मज़हब का इरतकाब किया या कोई और तौहीन ऐसी कर ली जो दीन इस्लाम के खिलाफ। तो इसलिए फुकहा ने यह फरमा दिया है और पाकिस्तान में भी तौहीन का कानून बना हुआ है, तौहीन रिसालत का। उस कानून के हवाले से खुदा ना करे अगर कहीं ऐसा वाकया पेश आ जाए तो आवाम को क्या हुक्म है कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले बल्कि इत्तला करें, हुक्काम को इत्तला करें, उलमा को इत्तला करें, मुफ्तियाने अज़ाम को इत्तला करें, उस शख्स के बारे में बताएं, सबूत पेश करें या उसे वहाँ ले आए कि इसने ये हरकत की है। अब वो नादानिश्ता की या दानिश्ता, ये भी एक अलग मसला है। नादानिश्ता तो कोई भी किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, वो तो ख़ता हो गई तो ख़ता की माफ़ी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब हमारी गिरफ्त ना फरमा अगर हमसे भूल हो जाए या हमसे ख़ता हो जाए। तो जैसे कत्ल अमद और कत्ल ख़ता, इन दोनों का हुक्म अलग अलग है। कत्ल अमद वो कत्ल है जो जानबूझकर किया जाए, कत्ल ख़ता वो कत्ल है जो जानबूझकर ना किया जाए, कत्ल हो जाए, इरादा भी नहीं था कत्ल का उसको लेकिन वो कत्ल हो गया, वो कत्ल ख़ता है, है ना। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसे अमल का मुर्तकिब हो जाए तो आवाम के लिए क्या हुक्म है कि वो फौरन उलमा को, मुफ्तियों को इसकी इत्तला करें, हुक्काम तक इसकी इत्तला पहुँचाएँ, कानून तक इसकी इत्तला पहुँचाएँ, ना कि अपने हाथ में कानून ले लें। क्योंकि ऐसा बारहा हुआ है कि किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, लोग उस पर टूट पड़े, जोश में आकर इस्लाम की मोहब्बत में, ईमान की मोहब्बत में, आप जो भी कुछ कह लें, और उसको कत्ल कर दिया और तहकीक की
तो पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं था। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को बेगुनाह कत्ल कर देना और जानबूझकर उसको कत्ल कर देना, ये तो खुद अजाब है अपने ऊपर। तो इससे बचने के लिए यही हल है कि अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो लोग अपने हाथ से सजा देने की बजाय उसको पकड़ें या उसका अहाता करें और कानून तक उसको पहुंचाएं और उलमा तक उसकी इत्तला करें। और हुकूमत का काम है, रियासत का काम है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ख़ासकर इस्लामी ममलकत की, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है, इसकी बुनियाद ला इला इल्लल्लाह है, पाकिस्तान बना ही इसलिए, वरना बनने की ज़रूरत ही नहीं थी, बना ही इसीलिए कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार हो, तौहीद का हो, रिसालत का हो, इस्लाम का हो, आज़ादी के साथ मुसलमान अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकें, आज़ादी के साथ शायर इस्लाम को अदा कर सकें। तो चुनाचे आवाम का काम ये है कि अगर कोई ऐसा वाकया हो तो बजाय इसके कि खुद ही तशद्दुद करें, सज़ा देने पर तैयार हो जाएं, नहीं, हुक्काम के हवाले करें कानून का, ताकि बदनामी ना हो। क्योंकि ऐसे वाकयात हाल ही में पेश आए आप कि जिससे मुल्क की बदनामी, इस्लाम की बदनामी, मुसलमान की बदनामी, ये तीनों किस्म की बदनामियां गले में पड़ जाती। चुनाचे एहतियात का तकाजा यही है, अल्लाह ना करे कि कोई तौहीन रिसालत का वाकया पेश आए तो उसको उलमाए किराम तक बयान करें, मुफ्तियाने एजाम तक पहुँचाएँ, वो ख़ुद देख लेंगे कि कुरान के रूह से, हदीस के रूह से, फ़िक़्ह के रूह से इस पर क्या हुक्म लागू होता है, क्या साबित हो रहा है, हो रहा है साबित, तो फिर उनका काम है कि वो उसको कानून के हवाले करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ताज़ीम और तकरीम से याद करते रहें और अल्लाह ताला हर किस्म की तौहीन से हर एक को पाक रखे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।